हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज 10 नॉर्मल की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं हम लोग। और मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा के आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 5 को देखूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ आपको फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स एक्स। देखो भाई, द गिवन कर्व इज, पहले बच्चों कर्व क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर ए कॉस क्यूब थीटा और वाई बराबर ए साइन क्यूब थीटा, और कह रहा है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर। हाँ जी सॉरी, थीटा पाई बाय फोर पे दिया हुआ है आपको। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट, पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्यों, पैरामेट्रिक फॉर्म बनाएंगे। dx अपॉन में d थीटा, a पावर आगे एक कम और cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो आगे निकाल लूंगा माइनस। तो dx अपॉन में d थीटा बराबर माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, अब नाउ y बराबर a साइन क्यूब थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई अपॉन में डी थीटा, ए पावर आगे एक कम और साइन थीटा का कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन में डी थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। नाउ डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी थीटा इंटू में डी थीटा अपॉन में डी एक्स। डी थीटा अपॉन डी एक्स माइनस 3 a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, जो कटे काटो, साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, 3 a से 3 a कट गया। बचा क्या बच्चों, बचा डी वाई अपॉन डी एक्स, बच गया भाई माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो इसमें इट मीन्स डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर आ गया माइनस का टेन थीटा। बच्चों ये आ गया आपका क्या, ये आपका स्लोप आ गया, ये आपका क्या आ गया बच्चों, स्लोप। ठीक है, और स्लोप निकालते हैं। नाउ आपको तो पता ही है स्लोप निकालते कैसे हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है पाई बाय फोर। तो माइनस टेन थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर और माइनस टेन पाई बाय फोर की वैल्यू होती है 1। इट मीन्स बच्चों डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, हाँ जी एम वन ले लेना इसको, माइनस 1। और आपको अच्छे से पता बच्चों ये डी वाई अपॉन में डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए। क्या निकालिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और आप अच्छे से जानते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब होता है एम टू बराबर माइनस 1 अपॉन में एम 1। ठीक है, तो माइनस 1 और एम 1 भी माइनस 1, तो माइनस माइनस कट गया 1। तो बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया 1। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना था, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, आपको 6 करना है। फिर मैं आपको 7th क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए, 6 करके दिखाइए। कह रहे फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। चलिए ये तो नोट कर लिया होगा, नॉर्मल कैसे निकालना है बात समझ में आई गई, क्योंकि ये रिलेशन मैंने आपको शुरू में ही पढ़ा दिया है। ठीक है, हाँ जी, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, क्या है,
फाइंड द पॉइंट्स, बच्चों पॉइंट्स निकालने के लिए कह रहा है, एट विच द टेंजेंट टू द कर्व वाई, द गिवन कर्व इज, हाँ जी कर्व दिया हुआ आपको वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन, ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स पावर आगे एक कम सिक्स एक्स माइनस नाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको अच्छा पता है डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर थ्री एक्स टू एक्स माइनस थ्री, मैंने थ्री ऐसे कॉमन ले लिया। अब इसने कहा है कि इट्स पैरेलल टू द भाई क्या एक्स एक्सिस, तो अगर हम लिखेंगे सो द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो देयर इज, सो देयर इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो, इज जीरो, क्योंकि अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो पैरेलल पे तो कोई स्लोप बनता ही नहीं, तो जब बनता ही नहीं तो इसका मतलब डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर जीरो, और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, थ्री वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, फैक्टर बनाएंगे इसका एक्स स्क्वायर थ्री बन जाए थ्री, मतलब थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस थ्री प्लस वन कॉमन लेंगे एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है, तो एक बार एक्स माइनस थ्री को जीरो के बराबर, एक बार एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर, माइनस थ्री इधर आके प्लस और ये प्लस का वन इधर आके माइनस का वन, तो बच्चों एक्स की दो वैल्यू आ गई, तो हमें तो पॉइंट निकालना है, तो बस बात खत्म, पुट एक्स इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, तो बस वाई का क्या है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन, बस बच्चों कर्व में पुट कर दो, थ्री का क्यूब थ्री का स्क्वायर थ्री सेवन, वाई बराबर सत्ताईस सत्ताईस, हाँ जी सत्ताईस सात सत्ताईस सत्ताईस कट गया, वाई की वैल्यू आ गई सत्ताईस में सात गया माइनस का ट्वेंटी, तो यानी पहली वैल्यू तो पुट, अब क्या करेंगे पुट एक्स बराबर माइनस वन, तो बस y बराबर माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन सेवन माइनस थ्री माइनस वन प्लस का नाइन प्लस सेवन, तो ये हो जाएगा माइनस फोर और ये हो जाएगा सोलह और ये हो जाएगा बारह, सो द पॉइंट्स आर, सो द पॉइंट्स आर, हाँ जी क्या क्या पॉइंट बनेगा, पहला पॉइंट आपका बनेगा बच्चों माइनस सॉरी माइनस नहीं थ्री और माइनस ट्वेंटी, और दूसरा पॉइंट आपका बनेगा कितना माइनस एक और बारह, ये पॉइंट बनेंगे आपके, ठीक है, चलिए नोट कीजिए। ये और देख लो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सात, अब आठ देख लो, आज करा दूंगा, काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों आज, इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे क्या, इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, कोशिश करेंगे कि इस वीक में मैक्सिमा मिनिमा खत्म करके फिर हम शुरू करें इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन बच्चों मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी जल्दी खत्म कराने की, ठीक है, क्योंकि आपके कोई एग्जाम वगैरह कोई एग्जाम फैक्टर तो है नहीं बीच में, तो हम टाइम पे कोर्स को कवर कर लेंगे। हमने नंबर एट, फाइंड अ पॉइंट ऑन कर्व y इज इक्वल टू x माइनस टू का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट 20 एंड 44, 20 एंड 44, ठीक है जी, देखो तो बच्चों सबसे पहले आपको पॉइंट निकालना है, ठीक है, टेंजेंट और पैरेलल कॉर्ड के ज्वाइनिंग का, ठीक है जी, द गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व इज y is equal to x, चलो अब इसने क्या बोला है
कि आपके पास ये कर्व है, ठीक है, और आपके पास दो पॉइंट हैं जो पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, कॉर्ड के पैरेलल है टेंजेंट, ठीक है, लेकिन जो जो कॉर्ड के पॉइंट्स हैं वो 2, 0 और 4, 4 है। तो चलिए, तो इसके पॉइंट्स निकालने हैं कि भाई टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड पॉइंटिंग जॉइंट। हाँ, तो भाई ये कौन से पॉइंट से कर्व बनेगा, ये कर्व जो बनेगा कौन से पॉइंट से बनेगा। तो बस सिंपल क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स पावर आ गया एक कम, ये आ गया भैया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ अब एक काम करेंगे, द पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग, कॉर्ड ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग आर, हाँ जी, कॉर्ड को जोड़ने वाले पॉइंट कौन से पॉइंट थे, 2, 0 एंड 4, 4। सो द स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और आपको तो पता ही है भाई 4 माइनस 0, 4 माइनस 2, 4 अपॉन में 2 कट गया 2, तो इसका मतलब भाई ये आ गया आपका स्लोप। नाउ अब आपको तो पता ही है, उसने खुद बोला है कि भाई कर्व का टेंजेंट और कॉर्ड का टेंजेंट आपस में, सॉरी कर्व का टेंजेंट और कॉर्ड आपस में पैरेलल है, आपस में क्या है पैरेलल, तो इन दोनों के स्लोप आपस में कैसे होंगे बराबर, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड बराबर होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो बस 2x-2 = 2, 2 से 2 कट गया, x = 2, तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, और अगर x की वैल्यू 2 आ गई है, सॉरी 2 नहीं आएगी, 3 आएगी, 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा ना यहाँ पे, हाँ 2 से 2 कटेगा 1 आ गया, तो कितना आ जाएगा 1, और ये माइनस का 2 इधर आ गया प्लस, तो कितना आ गया x = 3, x बराबर कितना आ गया 3, सॉरी माई मिस्टेक, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुट x इन इक्वेशन ऑफ कर्व, तो बस कर्व की इक्वेशन पुट कर दो, y = 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर, और आपको तो पता ही है y बराबर क्या आ गया 1, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, तो पॉइंट क्या बना बच्चों, 3 और 1, क्या बना 3 और 1, करो करो, फिर 9th कराता हूँ, इसमें ही पॉइंट ही निकालना है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपसे कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कर्व, द गिवन कर्व इज, हाँ जी बच्चों कर्व क्या दिया हुआ आपको, y इज इक्वल टू x³ - 11x + 5, अब आपको पता ही है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अपॉन में डी एक्स पावर आगे एक कम -11x का 1 और 5 का 0। अब कह रहा है विच इज द टेंजेंट इज, इसके बराबर है किसके, वाई इज इक्वल टू x - 11, किसके बराबर है, वाई इज इक्वल टू x - 11, ठीक है भाई। नाउ द टेंजेंट ऑफ लाइन, हां जी लाइन क्या, लाइन की इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू x - 11, ठीक है, तो सबको एक काम करो इसको उठा के इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा x - y - 11 = 0, तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है -a / b, तो -a कितना 1, b भी कितना -1 कट गया, तो ये आ गया 1, तो स्लोप ऑफ लाइन 1 आ गया। नाउ अब आपको पता ही है भाई कि जो इसका स्लोप है इस कर्व का वही इस लाइन का स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है x - 11 और ये कितना 1,
माइनस 11 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और 11 और 1 क्या होता है बच्चों, 12 होता है। और जब 11 और 1 12 आ चुका है तो पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, क्या आएगा इन इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी 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 बच्चों सॉरी, इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, और स्लोप ऑफ लाइन ये है, माइनस का 11 यहाँ पे, सॉरी 3x का स्क्वायर माइनस का 11 यहाँ पर आके प्लस का 11, 3x का स्क्वायर बराबर 12, 3 से 12 कटेगा 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट जाएगा 4 और प्लस माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 2। अब करेंगे, अब आपको बताइए, एक बार प्लस का 2 इसमें पुट करेंगे, एक बार माइनस का 2 इसमें पुट करेंगे, और जो भी वाई की वैल्यू आएगी वही क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे, ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। नोट हो गया, चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन। लो जी अब इक्वेशन के बारे में आ गया, ठीक है, तो प्लस वन, हाँ जी, of that are the tangent of the curve, the given curve is 10th question hai, the given curve is, haan ji curve dekhenge, the given curve is y is equal to 1 upon x minus 1, theek hai, haan ji differentiate with respect to x, तो आपको पता ही है डी वाई अपॉन में डी एक्स, और आपको तो भाई इसके बारे में पता ही है, क्या बताया था मैंने, जितनी इसकी पावर है उसके माइनस से मल्टीप्लाई और इसकी एक पावर इंक्रीज कर देंगे, डिफरेंशिएशन में सिखाया था, तो माइनस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, यहां तक का डिफरेंशिएट कर दिया ना हमने, अब करेंगे, अब हमें पहले ही बता रखा है द स्लोप ऑफ ऑल लाइन्स इज माइनस वन, सो आपको डी वाई अपॉन में डी एक्स को किसके बराबर रखना, माइनस वन के, ये कर्व है आपका कर्व माइनस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, माइनस से माइनस कट गया ये उधर जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। अब क्या करना है, स्क्वायर को इसके ऊपर भेजना है, तो यहाँ बन जाएगा अंडर रूट वन एक्स माइनस वन, भाई वन रूट में से बाहर निकलेगा तो प्लस का वन माइनस का वन बराबर एक्स माइनस वन, तो क्या करेंगे, एक बार वैल्यू प्लस में लेके सॉल्व करेंगे और एक बार वैल्यू माइनस में लेके सॉल्व करेंगे, तो माइनस का वन इधर आके प्लस का हो जाएगा और एक्स बराबर हो जाएगा टू, जबकि माइनस वन ये इधर आके प्लस का वन हो जाएगा और प्लस वन जीरो, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब आपको क्या करना है, पॉइंट निकालना है, पुट एक्स इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन ऑफ कर्व, हाँ जी, तो वाई इज इक्वल टू वन एक्स माइनस वन, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू टू माइनस वन, तो वन, तो y की वैल्यू वन, यानी जब x की वैल्यू टू होगी तो y की वैल्यू वन होगी। नाउ पुट x बराबर क्या, जीरो इन इक्वेशन ऑफ कर्व, हाँ जी, और y बराबर, और अगर जब इसकी वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू माइनस वन आ जाएगा, सो द पॉइंट्स आर, so the points are 2, 1 and 0, minus 1, ये दो पॉइंट आए। नाउ द इक्वेशन ऑफ कर्व, द इक्वेशन ऑफ क्या पूछा उसने, द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, हाँ जी, तो लाइन इक्वेशन y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, हाँ भाई y माइनस, पहले इस वाले पॉइंट को लेके सॉल्व करो, तो y1 की जगह पे 1 आ जाएगा और m, m पहले ही हमें बता रखा है स्लोप कि सभी लाइनों का स्लोप कितना है, माइनस वन, तो ठीक है जी माइनस वन, और x1 कितना है 2, तो बस सॉल्व कर दो,
एक्स माइनस वन माइनस का एक्स प्लस का टू, उठा के इधर एक्स प्लस वन, वाई उठ के इधर, तो एक्स प्लस वाई बराबर थ्री। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। नाउ अब क्या बनाना है, एक इक्वेशन और बनानी है हमें, किसके थ्रू, दूसरे पॉइंट के थ्रू। तो दूसरे पॉइंट में माइनस वन प्लस वन बन जाएगा, ये तो माइनस वन है ही और ये कितना, जीरो। तो वाई प्लस वन बराबर माइनस एक्स, उठ के इधर आ जाएगा प्लस का एक्स और प्लस वन बराबर जीरो। तो बच्चों इस क्वेश्चन इस कंडीशन में, लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो दो इक्वेशन बनेगी, एक तो ये बनेगी और एक ये बनेगी। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, बट डिजिट चेंज है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम, 13 बाद में करेंगे, पहले 14 करेंगे। 14 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांचों सेम। बस क्वेश्चन नंबर 15 कराना मुझे, उसके बाद 16 भी आप कर लेंगे आज। बस आज का लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। चलो भाई करें क्वेश्चन नंबर 15। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर आप मोस्टली क्वेश्चन इसके ट्राई, टेंजेंट नॉर्मल खत्म, ध्यान से देखेंगे। 15 क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर से बच्चों आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, यानी द गिवन कर्व इज बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स, टू एक्स माइनस टू, ये आ गया। ये अब कह रहा है पैरेलल टू द लाइन, द गिवन कर्व, द गिवन कर्व इज पैरेलल टू द लाइन। हाँ जी, किस लाइन के पैरेलल है, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, हाँ जी स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस का 2 अपॉन माइनस का 1 कट गया, ये आ गया 2। नाउ अब आपको पता है अगर कंडीशन पैरेलल होती है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होता है लाइन, यही सीखा है ना हमने पैरेलल केस में। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x माइनस 2 है और ये 2, तो 2x माइनस 2 आ जाके प्लस, तो 2 और 2 4 कट गया 2, x बराबर 2, x बराबर 2। अब y निकालना है तो कैसे निकालना है भाई, y तो आपको अच्छे से पता है, पुट x इन इक्वेशन ऑफ कर्व, इन इक्वेशन ऑफ कर्व, तो y बराबर 2 का स्क्वायर 2 2 प्लस 7, तो ये तो आपको पता ही है 4 बनेगा, 4 बनेगा 7, 4 से 4 कट गया, y बराबर 7। तो बच्चों पॉइंट क्या आ गया, सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या आ गया, 2 और 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ जी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन, वाई वन कितना 7, m कितना है, m अभी निकाला था ना हमने 2, ठीक है, कितना निकाला था 2, x माइनस 2, तो y माइनस 7 टू एक्स माइनस 4, उठा के इधर ले आओ, तो 0 बराबर 2x माइनस y प्लस 7 माइनस 4, तो 2x माइनस y, 7 में से 4 गया 3 बराबर 0। तो बच्चों ये इक्वेशन आ गई पहली कंडीशन के लिए, ये इक्वेशन आ गई पहली कंडीशन के लिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब रहता सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में बच्चों
हमें जो स्लोप निकालना है ना वो परपेंडिकुलर लाइन का, तो परपेंडिकुलर लाइन में आपको पता ही है क्या करना है, स्लोप निकाल के आपको फिर नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा और फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, इसका स्लोप तो यही रहेगा। जो अब दूसरी वाली लाइन दी हुई है ना, दूसरी वाली लाइन ध्यान से सुनना, दूसरी वाली जो लाइन दी हुई है आपको वो दी हुई है 5y-15x+13। एक काम करो, इसको नोट करो, इस पहले पार्ट को, फिर सेकंड पार्ट में करवाता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आप ये नोट करो, इसका सेकंड पार्ट आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूं। आप ट्राई करके देखना किसके थ्रू, नॉर्मल के थ्रू, अगर हो जाता है ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ आपको मैं, ठीक है? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड पार्ट करवाऊंगा।